आइए आज हम चर्चा करते हैं नज़रिए पर। एक उदाहरण आपने सुना होगा कि एक गिलास है, आधा भरा है आधा खाली है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वो आधा भरा है अथवा आधा खाली है, तो वो भरा भी है खाली भी है, पर ये आपके नज़रिए पर डिपेंड करेगा कि आप उसे भरा हुआ देख रहे हैं या खाली देख रहे हैं। यदि आप नेगेटिव अप्रोच वाले होंगे, नकारात्मक सोच वाले होंगे, तो आप कहेंगे अरे ये तो आधा खाली है। और यदि आप पॉजिटिव सोच वाले होंगे तो आप ये कहेंगे अरे ये तो आधा भरा हुआ है। ऐसे प्रभु हम अपनी सोच का ही फल भोगते हैं। यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम इन्हीं परिस्थितियों में मुस्कुराते हैं, यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम इन्हीं परिस्थितियों में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए अपने नज़रिए का अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। मैं तो कहता हूँ 99% रोल नज़रिए ही का है, क्योंकि नज़रिए को फॉलो करती हैं बाकी सब चीज़ें। यदि आपका दृष्टिकोण निर्मल है, दृष्टिकोण शार्प है, तो आपकी जीत निश्चित है। और यदि आपका दृष्टिकोण ही गड़बड़ है, दृष्टिकोण शार्प नहीं है, तो आपकी हार पक्की है। सब कुछ होने पर भी हमने बच्चों में देखा है, ड्रेस बढ़िया है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, लेकिन एक लेस का जो ऊपर प्लास्टिक लगा होता है वह टूटा हुआ है, तो वह ऐसा मायूस रहता है। मम्मी कहती बेटा खुश होकर जाओ स्कूल। क्या खुश होकर जाओ, लेस टूटी है। बेटा कोई बात नहीं, देखो तुम कितने हैंडसम लग रहे हो, कपड़े कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया, वो कितना बढ़िया है। ना मम्मा ना, लेस टूटी है। और एक बच्चा गरीब है जिसका जूता भी फटा हुआ है, लेकिन उसको कुछ सीखने समझने की आगे बढ़ने की अंदर से भावना है, तमन्ना है, तो वह उछलता हुआ स्कूल जाता है। वो ये नहीं देखता मेरा जूता फटा है, मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, वह मचलता हुआ जाता है क्योंकि उसे कुछ सीखना है। कहने का भाव यही है भाई कि उस बच्चे का नज़रिया सीखने का है तो वो इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसका नज़रिया पॉजिटिव है तो वो इन नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, और बच्चे का नज़रिया नेगेटिव है तो वो नेगेटिविटी की तरफ ध्यान दे रहा है, पॉजिटिव चीज़ों को गौण कर रहा है। ऐसे ही प्रभु हम अपने नज़रियों को चेक करें, अच्छाइयों को देखना चालू करें, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चालू करें। बहुत आनंद है, बहुत सहजता है, बहुत मस्ती है जीवन में, बस थोड़े से नज़रियों को बदलने की आवश्यकता है, वरना खूबियों के बीच में ये दोस्त ढूंढने वाले दोस्त ढूंढ लेते हैं और दोस्तों के बीच में ये खूबियाँ ढूंढने वाले लोग खूबियाँ ढूंढ लेते हैं। आइए हम अपने नज़रिए को बदलें और अपनी सृष्टि, अपनी दृष्टि को बदलते ही साथ अपनी सृष्टि को ही बदलें। यही भावना है, विचारना।